मंगलवार रात पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 67 साल की थीं। उनके निधन पर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी राजनीतिक दलों को धक्का लगा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सुषमा की मृत्यु पर शोक जाहिर किया है। अमिताभ बच्चन ने एक ट्विटर यूजर की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, एक अत्यंत दुखद समाचार। एक बहुत ही प्रबल राजनीतिज्ञ, एक मिलनसार व्यक्तित्व, एक अद्भुत प्रवक्ता। आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। बिग बी ने भावुक कविता भी लिखी। बिग बी ने सुषमा को श्रद्धांजलि देते हुए एक छोटी सी भावुक कविता भी लिखी है। उन्होंने लिखा है, मृदुभाषी सम्मोहक वक्ता मिलनसार दुखहरता सुषमा जी जैसों का रिक्त स्थान कभी नहीं भरता। इतना ही नहीं, एक ट्विटर यूजर की कविता भी उन्होंने रिट्वीट की है। इसमें लिखा है, पत्थर सी मजबूत, गजब थी उनकी कार्यक्षमता, हिंदुस्तान के फलक पर व्यक्तित्व है, चमकता नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण थी सुषमा जी, बना देती थी वो काम जो किसी से न था बनता। गहरा धक्का लगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, सुषमा जी की अचानक मृत्यु का समाचार सुन गहरे सदमे में हूँ। एक शालीन और ईमानदार नेता, एक संवेदनशील और निस्वार्थ आत्मा, संगीत और कविता की गहरी समझ रखने वाली और मेरी प्रिय मित्र। हमारी पूर्व गृह मंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। आप बहुत जल्दी चले गए, प्रसून जोशी शून्य सेंसर बोर्ड अध्यक्ष प्रसून जोशी ने लिखा। सुषमा स्वराज एक सच्ची नेता, एक शक्तिशाली वक्ता, एक कोमल आत्मा। आप बहुत जल्दी चली गईं। गहरा दुख हुआ। मूल्यों और उन क्षणों को संजोकर रखेंगे जो आपसे सीखने में बिताए।